नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। मैं हूं अरविंद सिंह। रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह के उस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पापा से पूछकर क्या उन्होंने बयान दिया था। सरकार द्वारा करीब 40 साल पहले पट्टे पर दी गई जमीन को पाने के लिए दर्जनों परिवार आज तक जमीन के लिए कर रहे हैं संघर्ष। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन जगदीश सिपाहिया ने हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर पर किए तीखे हमले। हमीरपुर जिला में बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजरों के लिए विभाग द्वारा कार्यशाला का किया गया आयोजन, आज हुआ उसका समापन। रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह के उस बयान पर टिप्पणी की है जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एक परिवार का एक ही सदस्य टिकट के लिए मान्य होना चाहिए। इस पर कौल सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह बताएं कि ये बयान उन्होंने पापा को पूछ कर दिया है। हमीरपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह के उस बयान पर टिप्पणी की जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि एक परिवार का एक ही सदस्य टिकट के मान्य होना चाहिए। इस पर कौल सिंह ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह बताएं कि ये बयान अपने पापा को पूछ कर दिया है। विक्रमादित्य से पूछे आप भाई, क्या ये बात ठीक है या उन्होंने अपने पिताजी को पूछ करके ये बयान दिया है। हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के उद्घाटन के लिए पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जल्द ही हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि इस साल हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए ना ही जगह मिल पाई है और न कक्षाएं लग पाई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर का दफ्तर जो हमने जो है HP स्कूल एजुकेशन बोर्ड से खरीदा है, उसका विधिवत तौर पे पहले नवरात्रे को उसका उद्घाटन किया गया। और क्योंकि जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ हमने मेडिकल कॉलेज अगले अगस्त से शुरू करना है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चला हुआ है। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो हॉस्पिटल की प्रभारी है और मुझे इस बात की दुख है कि समय पर यहाँ ना हमें मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए भवन मिला, न बच्चों के लिए हॉस्टल मिला। और जो हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के तहत परमिशन ली है वो परमिशन भी भारत सरकार से बहुत लेट मिली है, इस कारण कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो चुका है। अब हमें परमिशन मिली है, उस पर जो है अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। वहाँ भवन भी भवन बनाया जाएगा मेडिकल कॉलेज का, हॉस्टल भी वहीं बना दिए जाएंगे, डॉक्टरों के क्वार्टर भी वहाँ बना जाएंगे। और जो हमारा ये जोनल हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल है, उसको भी 300 बिस्तर, फिर उसके बाद 400 बिस्तर और अल्टीमेटली 500 बिस्तर का इसको कर दिया जाएगा। उसके लिए सारा प्रबंध हमने कर दिया। कौल सिंह ठाकुर ने माना कि हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल में चिकित्सकों की कमी चल रही है, लेकिन इसके लिए नए डॉक्टरों की तैनाती जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि उक्त 3 पदों के लिए डॉक्टरों की ज्वाइनिंग के आदेश दे दिए गए हैं। ठीक है, हमीरपुर हॉस्पिटल में 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हैं, उनकी तैनाती जो है शीघ्र कर दी जाएगी। मेरे ध्यान में है, मेरे ख्याल फाइल में 1 या 2 की मैंने की है। अब मैं उनका देख रहा हूँ कि वो ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उनके बदले में किसी और को तैनात किया जाएगा। विधायकों और पूर्व विधायकों के नाम पट्टे पर जमीन दिए जाने के मुद्दे पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि व्यक्ति विशेष को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार ने ये फैसला सोसाइटी के एक्ट के तहत जमीन दी जाएगी और इसका बीजेपी बिना मतलब के विरोध जता रही है। इसमें ऐसा है, सोसाइटियाँ जो सोसाइटियाँ बनी हैं, कई किस्म 4-5 सोसाइटी हैं जिन्होंने सोसाइटी के नाम पर जमीन ली है। ये भी एक हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटर और एक्स लेजिस्लेटर हाउसिंग सोसाइटी है। उस सोसाइटी को पहले भी जमीन दी है, हमने 2 जगह जमीन दी है, एक अब तीसरी जगह और जमीन दे रहे हैं। उसका तो विरोध करना, मेरे ख्याल हमने सोसाइटी का नाम दिया ना कि किसी व्यक्ति के नाम पे दिया है, तो इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कंप्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मटन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं। अपने घर व ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आएं पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नई लुक देने के लिए हम देते हैं गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे। तो दीजिए अपने घर व ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस नियर हनुमान मंदिर मटन सेठ हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816562762 8894233990। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार द्वारा करीब 42 साल पहले पट्टे पर दी गई जमीन को पाने के लिए दर्जनों ग्रामीण परिवार आज दिन तक जिद्दोजहद कर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन विभागीय चक्कर काटने और आश्वासनों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला है, जिस कारण हमीरपुर के कोट गांव के दर्जनों बाशिंदों में गहरा रोष पनप रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में विधानसभा चुनाव के बहिष्कार तक की चेतावनी दी है। सरकार द्वारा करीब 40 साल पहले स्टे पर दी गई जमीन को पाने के लिए दर्जनों ग्रामीण आज दिन तक जद्दोजहद कर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन विभागीय चक्कर काटने और आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला है, जिस कारण हमीरपुर के कोट गांव के दर्जनों बाशिंदों में गहरा रोष पनप रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में विधानसभा चुनावों के बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। बता दें कि वर्ष 1975 से भूमि के मालिकाना हक के लिए लड़ रहे 30 परिवारों को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पट्टे पर 10 कनाल 11 मरले जमीन दी थी, लेकिन 2 बार उच्चतम न्यायालय से भी केस जीतने के बाद भी जिला प्रशासन की लेट लतीफी के कारण आज दिन तक ग्रामीणों को जमीन नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से लोग पट्टे की भूमि पाने के लिए विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। लोगों ने रोष जताते हुए कहा कि एक ओर तो सरकार अपने विधायकों को पट्टे दे रही है और दूसरी ओर इतने सालों से जमीन के लिए लड़ाई लड़ने पर भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। हमें 42 साल में इसका कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया। हम इतने तंग हैं कि अब आगे आने वाले समय में हम ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस के ऊपर विश्वास करते हैं। हमने ये केस रेवेन्यू कमिश्नर शिमला, हाई कोर्ट शिमला के ऑर्डर भी आ चुके हैं। 2-3 बार हम डीसी मोदी से भी मिले और कोई रिस्पांस नहीं मिला और आने वाले चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। ये दक्षता में डीसी साहब से मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि ये जो आपका फैसला जल्दी हो जाएगा। हम वीरभद्र जी से मिले थे, धूमल जी से भी कई बार मिले, परंतु ये सरकार जो वोट बैंक की नीति अपनाती है और हमें हरास किया जा रहा है। जरूर जल्दी से जल्दी हमारे बारे में फैसला जो मिलने चाहिए सरकार जी साहब देवी है पालिंग कटे टाइम कने साहब दिखी लिया इतनी रिक्वायरी गड्डी क्या कर ली है क्या बोरा कितना। हमारी अलॉटमेंट जो है 75 में अलॉट हुई थी। हमारे जो बुजुर्ग है वो भी केस लड़ लड़ के खत्म हो गए हैं। अब ये 2री 3री पीढ़ी चल रही है। जो भी MLA आता है वो बोलता है कि हम ये फैसला करेंगे। कितनी पार्टी आ चुकी है परंतु कोई फैसला नहीं हुआ। हमारा जो कोर्ट से फैसला होता है वो यहाँ बहिष्कार कर दिया जाता है। अब कोई भी पार्टी आएगी हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। आगे जो आने वाले चुनाव है जब वो ही नहीं हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हमारा फैसला नहीं हो रहा तो हम उनके बारे में क्यों सोचेंगे। हम किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा नहीं कोई फैसला होगा तो हम कैसे वोट देंगे। हमें तो जितने भी मंत्री आते हैं वो यही आश्वासन देते हैं कि आपको ये जमीन का फैसला होगा, हम करवाएंगे हम करवाएंगे, कोई नहीं करवा रहा है। दे देंगे ना कांग्रेस को ना जनता को, किसी को वोट नहीं देंगे। हमारे को सन 1975 से गवर्नमेंट हुई, जो हमारे बुजुर्ग थे वो भी केस लड़ते लड़ते खत्म हो गए, मगर इस चीज का कोई भी हमें फैसला नहीं मिला। कई एप्लीकेशन दी, कहीं कुछ किया, कोई मिनिस्टर आता है बोलता है जी आपको अलॉटमेंट हो जाएगी, मगर उसका कोई भी आज तक फैसला नहीं हुआ। हमारे वो जमीन जो था 42 साल पहले अलॉटमेंट समूह में सब चर्चा में हुआ था, लेकिन हमीरपुर में केस चला, उसके बाद शिमला में चला और हमारे हाथ में ही फैसला हुआ था, लेकिन ये नीचे वाले जो पटवारी कांगड़ा और सीलदार वगैरह है ये अभी तक हमारे को जमीन का कोई भी समाचार नहीं दिया। और आने वाले चुनावों में हम किसी को भी अपना चुनाव बोर्ड नहीं धन्यवाद बना बहिष्कार करेंगे। मेरा ब्राह्मण है सर, पत्ती मेरी है हर जैसा पे सन 1975 जब पटे मिले थे वो आज तक हमारे को कब्जा नहीं मिला। वो आज तक हमारे शिमले में भी हम जाते रहे तो सारे हमने मिले रिपोर्ट थे, डीसी के पास भी ये गए हम, तो हमारे को मतलब वहाँ पर भी उन्होंने बोले भी चलो आपको जमीन मिल जाएगी, तो आज तक हमारा कब्जा नहीं अभी तक मिले ना हमें कार चढ़े। तो हमारी ये अर्ज है कि मतलब आने वाले चुनाव में कि हमारा फैसला नहीं हुआ तो हम वोट किसी को नहीं देंगे, और हमारा फैसला हो गया तो हम फिर ये देखेंगे कि ये वोट देने उसको दे देंगे। अब हमारा फैसला होना चाहिए सर, नहीं होगा सर तो इतना है कि हम हर बेले हम कांग्रेस और बातें रहे तो फिर इतना है कि हमारा आज तक फिर फैसला नहीं हो गया सर, तो इतना है कि आगे देखेंगे सर, और इतना ही है। तो बुद्धि हुई है कि 80 साल हमारी उम्र हो गई, क्या करें मतलब हम तो ऐसे जाने वाले हैं सर, तो हमारी जमीन आज तक नहीं मिली। हमारे को 1975 में पता मिला है, लेकिन हमारा कोई फैसला नहीं होगा, हाई कोर्ट से फैसला हो सकता है, लेकिन हम ऐसे करेंगे आप बोर्ड जानबूझ के हमें कम कर रहे हैं और हमें चुनाव का फैसला ले रहा होगा तो हम वोट किसी भी पार्टी को नहीं देंगे। ये केस सन 75 से चला हुआ है और अभी तक इसका कोई पता नहीं कि ये जमीन हमारे को कब मिलेगी। मेरे पति शिमले जाते रहे और कई जगह डीसी के पास कोई कहीं जगह जगह घूमते रहे, उनकी डेथ भी हो गई। और मेरा एक लड़का पागल है, मेरे सिर्फ हमारे पास छोटा सा एक मकान है, कोई जमीन नहीं है, कोई बाने के लिए कुछ नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। हम आस लगा लगा के इतने बूढ़े होते जा रहे हैं, हम भी कमजोर हो गए हैं। अब क्या करें, अब किसको वोट दें किसको ना दें, और किस मंत्री को हम आगे करके कहें कि जो हमारी ये फरियाद सुन, हमारी कोई फरियाद नहीं सुन रहा है। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारा कोई बात किसी से नहीं हो रही है। हम बहुत दुखी हैं, हमारी ये फरियाद सुनी जाए और इसके ऊपर जो मुद्दा रखा है उसको पास किया जाए। कोई भी जो देश का मंत्री है, कोई भी है जो हमारी बात सुनेगा उसको ही हम साथ देंगे, ये हमारे सबका वादा है। ग्रामीण चमन ने बताया कि आज 42 साल हो गए हैं और पट्टे पर दी गई जमीन नहीं मिल पाई है। चुनावों के नजदीक तो सभी आश्वासन देते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में सभी ग्रामीण चुनावों का बहिष्कार करेंगे। साल 1975 में अलॉटमेंट हुई थी और ये 10 कनाल 11 मरले है, लेकिन आज तक हमें इस जमीन की जो पोजीशन है वो नहीं मिली। इससे पहले हम 2 बार हमीरपुर में भी कोर्ट कचहरियों के केस लड़ते रहे और वहाँ से हम बहाल भी हो गए। उसके बाद ये शिमला ले गए फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल से भी वहाँ से खारिज होकर 2013 में यह केस जो वो जिलाधीश हमीरपुर को सौंपा गया। उसके बाद उन्होंने उनके पास हम सारे अलॉटमेंट लिए गए और वहाँ पे उनसे मिले, उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशन थी वो ली और उसे तहसीलदार टोनीदीप को भेजा। टॉउन के विषय में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद हम जाते रहे, फिर 5-6 महीने बाद हम दोबारा डीसी साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि ये फायर जोन में मैंने सीआरपीओ को ट्रांसफर कर दी है, और वहाँ का तहसीलदार श्री बलवान सिंह थे तो वो इस केस को डील करेंगे, लेकिन वहाँ से भी वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। और मैं फिर सीआरपीओ में भी गया, टोनी देवी में भी जाता रहा, पटवारी कानकों के चक्कर लगाता रहा, कानकों को पूछना तो उन्होंने पटवारी को बोलना, पटवारी को बोलना तहसीलदार को भेज दिए, तो आज तक हमें कुछ इसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जमीन को अलॉटमेंट नहीं करते हैं तो फिर हम कोई और नया रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी जो 2 पीढ़ी है वो जमीन को केस को लड़ते लड़ते खत्म भी हो गई, अब 3री पीढ़ी पे केस चला गया है। अगर सरकार के पास जमीन थी नहीं तो इसने दी क्यों, और हमें को जबरदस्ती में नहीं ली हुई है। हम इस कैटेगरी में आए, हमारा पूरा गांव जो है वो लैंडलेस है, और इन जितने भी SC वर्ग है इनके पास किसी के पास भी अपनी मलकीत भूमि नहीं है। पेड़ बनाना है तो वो भी पटवारी लैंडलेस वालों को नहीं बना रहा है, तो बोलते हैं कि परिवार नकल लाओ कोई ऐसे जैसे, यानी कि बड़ी मुश्किल से हमें कास्ट का भी सर्टिफिकेट मिल रहा है कि हमें इस जमीन को पोजीशन दो और हमें कब्जा दिलाए। अगर नहीं दिलवाएंगे तो फिर हम कोई और नया कदम उठा लेंगे, इसकी जिम्मेवार फिर सरकार होगी, और सारी ग्रुप पंचायत में हुई है। ऐसा ही नहीं है, हमारा केस औरों का भी है। आज सरकार तो बड़े बड़े बातें कर रही है, विधायकों को पट्टे पे जमीनें दे रही है, कई कुछ दे रही है। विधायक कितने गरीब हो गए हैं कांग्रेस के, और जो गरीब लोग 1975 के लटके हुए हैं, जमीन के पीछे भागे हुए हैं, उनको जमीन दे नहीं रही है सरकार, और विधायकों को और देने के लिए चक्कर में है। ये बिल्कुल गलत बात है। जो गरीब लोग हैं उनको जमीन देना चाहिए, वो जरूरी है और देनी चाहिए। इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है हमें। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की विधायकों और पूर्व विधायकों पर पट्टे पर जमीन देने के फैसले आने के बाद भूमिहीन कोट गांव के निवासी भड़क गए हैं और दशकों से पट्टे की जमीन पाने के लिए संघर्ष करने के बावजूद भी जमीन नहीं मिलने पर मांग को पूरा करने के लिए मुखर हो गए हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आरजे फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। आरजे फैशन पॉइंट जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट, पैंट, स्कर्ट एंड स्कूल बैग्स, फुल एंड हाफ कोट, ब्लेजर, जैकेट एंड किंडर गारमेंट्स। साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट, कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज। तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ आरजे फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है आरजे फैशन पॉइंट अपोजिट डीप एंड कंपनी नियर सब्जी मंडी हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। आरके हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन, प्रोपराइटर आरके हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा, MS ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, MS गायनी, डॉक्टर MN कमाल, MD पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन, फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया, DM कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही, DM न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिरडी, DM पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को। साथ ही आरके हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध। 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। आरके हॉस्पिटल Now, ISO 9001:2015 certified. Opposite Sant Nirankari Bhavan near Hathli Bridge, Bhota Road, Hamirpur. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन जगदीश सिपाहिया ने हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर और बैंक के पूर्व चेयरमैन रसील सिंह मनकोटिया पर तीखे हमले किए हैं। हमीरपुर में आयोजित KCC बैंक के कार्यक्रम में पहुंचे जगदीश सिपाहिया ने कहा कि बैंक को कुछ लोगों ने बदनाम कर झूठे आरोप लगाने का काम ले रखा है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन जगदीश सिपाहिया ने हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उनके सांसद पुत्र अनुराग ठाकुर और बैंक के पूर्व चेयरमैन रसील सिंह मनकोटिया पर तीखे हमले किए। हमीरपुर में आयोजित केसीसी बैंक के कार्यक्रम में जगदीश सिपाहिया ने कहा कि बैंक को कुछ लोग बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि जब वह सत्ता में आएंगे तो सारे मामलों की जांच करवाएंगे। सिपाहिया ने कहा कि भाजपा का पता नहीं कि वह सत्ता में आएगा या नहीं, लेकिन वह हर वक्त जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब रसील सिंह मनकोटिया बैंक के चेयरमैन थे तो हमीरपुर शहर की शाखा का ही 109 करोड़ का एनपीए था। सिपाहिया ने कहा कि उनके सेवाकाल में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नतियां और बेरोजगारों को रोजगार ही मिला है। राजनीतिक लाभ के प्रयास में विपक्ष ने बेरोजगारों के रोजगार की राह में कई अड़चनें खड़ी करने के प्रयास किए, चाहे वो बैंक क्लर्क भर्ती, जेवीटी शिक्षकों या पीटीए अध्यापकों और यहाँ तक चपरासी भर्ती मामले हो। सिपाहिया ने आरोप लगाया कि बैंक भर्ती रुकवाने के लिए विपक्ष ने एक चाय की दुकान करने वाले युवक से कोर्ट में केस करवाया। सांसद अनुराग ठाकुर का केस लड़ने वाले अधिवक्ता से देश के सर्वोच्च न्यायालय तक इस मामले को ले गए। उन्होंने पूछा क्या एक चाय वाले के पास इतने पैसे थे कि वह 25 से 30 लाख की फीस देने वाले वकील को देश की सर्वोच्च अदालत में खड़ा कर पाता। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 5 जिलों में 86 बैंक शाखाएं खोली, अभी 5 और खोली जाएंगी। एक भी शाखा ऐसी नहीं जो 4 किलोमीटर के दायरे के भीतर हो। एक शाखा से दूसरी शाखा की न्यूनतम दूरी 10 किलोमीटर है। सिपाहिया ने कहा कि बैठक में पहले से रहे पदाधिकारियों को चुनौती देते हुए कि वह मेरे कार्यकाल के बीते 100 साल से तुलना करवा लें, अगर विकास में कोई कमी रही होगी तो वो उनके पाम में गिरने को तैयार हैं। बैंक में इतिहास में पहली बार 250 लोगों को एक साथ पदोन्नति का तोहफा दिया गया है, जिसमें 21 एजीएम शामिल हैं। इस मौके पर उनके साथ केसीसीवी के वाइस चेयरमैन कुलदीप पठानिया, निदेशक अनिल वर्मा और आत्म प्रकाश मौजूद रहे। हमने जो पिछले 4.5 साल में किया, मैं उसे दावे से कह सकता हूँ, हमने ईमानदारी से काम किया, सच्चाई से काम किया और बैंक को उसमें बहुत प्रोत्साहन मिला। लेकिन इससे पहले यहाँ से जो अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने किया कुछ नहीं है, नुक्ताचीनी के अलावा वो उस तरह बैंक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी राजनीति लोग हैं जो इस तरह इसमें ये करते हैं। यहाँ पे सवाल है लॉन्च करने का। मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो कहीं बीजेपी में कहीं थे ही नहीं। उनका प्रधानमंत्री का बनना, मैं समझता हूँ, मीडिया का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। जबकि आज जितनी घटना हिंदुस्तान में हो रही हैं, जो लोग दुखी हैं, नोटबंदी से लोग पूर्ण रूप से दुखी थे। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मेरे बोर्ड के टाइम पे जहाँ ये एनपीए की बात करते हैं, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा जो विपक्ष के लोग हैं, जो इसके बारे में बात करते हैं उनको। ये है कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, हमारा कोई केस एनपीए में नहीं है। जो एनपीए की सौगात हमारे मित्र देकर गए हैं, मैं केवल आज हमीरपुर में हमीरपुर की बात करना चाहता हूँ। हमीरपुर जिला की नहीं, केवल हमीरपुर में ही लगभग 109 करोड़ जो है वो एनपीए में है। और सारे के सारे लोन मेरे से पूर्व जो चेयरमैन थे, इनकी सरकार थी, इन्होंने दिए। और दिए भी किसको हैं? सब बीजेपी के लोगों को दिए हैं। आज वो चाहे कहीं बदलें, कहीं जाएं बचने के लिए, लेकिन सारे लोन इन्होंने दिए। कुछ करें, जब पिछली रिक्रूटमेंट हुई तो इन्होंने और कोई हवाला दे करके उसको स्टे लगाया। पहले हाई कोर्ट में हारे, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और लगाया किसके थ्रू? एक लड़का जो चाय बेचता है देरा में, नाम उसका। और वकील कौन हायर हो रहे हैं? जो बीजेपी के टॉप लॉयर हैं हाई कोर्ट में। और दिल्ली में पटवालिया जी, जो अनुराग के क्रिकेट के केस को देखते हैं। दूसरे बनर्जी जी, जो जेटली जी के जूनियर हैं, जिनकी एक दिन की एक बार पेशी में खड़ी होने की जो फीस है वो 25 और 30 लाख है। और कर कौन रहा है? एक चाय बेचने वाला लड़का कि मेरी नौकरियों में अनियमितताएं हुई हैं। इस तरह की राजनीति में समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस ढंग से बीजेपी के लोग रोजगार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बैंक के ऊपर इनको कोई भी शक है, मेरा बोर्ड और मैं तैयार हूँ, जब मर्जी आए। सरकार की बात छोड़ दें, आएगी नहीं आएगी वो अलग बात है। सरकार आना तो इनको सपना है मंगेरी लाल का, पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जब मर्जी आए, हम तैयार हैं। इनको जो कागज चाहिए हम देंगे, कहीं जाने की जरूरत है ना, हमें दें, इस पर इंक्वायरी करें। हमीरपुर जिला में ब्लॉक लेवल ऑफिसर और सुपरवाइजरों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला के अंतिम दिन नदौन विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा की है कि जो बीएलओ अपने वोटर लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे उनको इनाम से भी सम्मानित किया जाएगा। हमीरपुर जिला के बूथ पालक और सुपरवाइजर के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के अंतिम दिन में नदौन विधानसभा के बीएलओ उपस्थित रहे। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा की है कि जो बीएलओ अपनी वोटर लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेगा उनको इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। इस बार चुनावों में मतदान करने वाले लोगों को बैठने की सुविधा, पीने के पानी, बुजुर्गों को लाने की सुविधा दी जाएगी। तहसील निर्वाचन अधिकारी उपेंद्र शुक्ला ने बताया कि जिला हमीरपुर में बचत भवन में 524 बूथ पालक और 55 सुपरवाइजर के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक करना है। साथ ही हमीरपुर जिला के निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा की है कि जो बूथ पालक अपनी वोटर लिस्ट में ज्यादा लोगों को जोड़ेगा उसको इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यशाला में मतदान से संबंधित जानकारी दी गयी। इस बार पोलिंग बूथ का ऑनलाइन प्रसारण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी बूथ पालक द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। निर्देशानुसार हमारे हमीरपुर जिला के सभी 524 बीएलओस और 55 सुपरवाइजर्स की जो कार्यशाला थी उसका आयोजन किया गया। पहले दो दिन 4 कंस्टिट्यूएंसीज को जागरूकता अभियान के लिए बोला गया था, परंतु आज लास्ट में जो है 40 नदौन कंस्टिट्यूएंसी है उसके बीएलओ सुपरवाइजर हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं। और जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग ने एक अभियान शुरू किया गया है कि हमारे जो लेफ्ट आउट इलेक्टर्स हैं वो 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उनको एनरोल किया जाना है। इस संबंध में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर ने ये घोषणा की है कि जो भी बीएलओ अपने सबसे ज्यादा इलेक्टर जो 16 से लेकर 30 सितंबर तक अपनी वोटर लिस्ट में जोड़ेगा उसके लिए कुछ कैश पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ जानकारियां जो हैं वो पोलिंग से संबंधित दी जा रही हैं। इसमें मुख्य रूप से यह है कि हमने 50% जो हमारे पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे वेबकास्टिंग करनी है, जिसमें ये व्यवस्था होगी कि वो सारे पोलिंग स्टेशन ऑनलाइन रहेंगे और कहीं पे भी भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी या स्वयं हम भी कहीं भी जाकर अपना जो नेट पे जो है अपनी पोलिंग स्टेशन के दे सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि हमारे हर कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 10 पोलिंग स्टेशन हैं जो मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाने हैं। इन पोलिंग स्टेशनों पे ये व्यवस्था होगी कि हमारे जो मतदाता वोट करने के लिए आए उनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे वहाँ पे पानी पीने का इंतजाम होगा प्रॉपर, और हमारे NSS NCC के वॉलंटियर्स हैं जो उनका स्वागत करेंगे। जो वृद्ध लोग होंगे उनको वो पकड़ के पोलिंग स्टेशन तक लेके आएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पे हम क्रैश की व्यवस्था भी कर रहे हैं। जिन माताओं के साथ छोटे बच्चे होते हैं तो उनको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है जब वो लाइन में लगते हैं। इसके अतिरिक्त PW जो हमारे इलेक्टर्स हैं उनके लिए भी हम स्पेशल इंतजाम है जो पोलिंग स्टेशन पे कर रहे हैं, उसमें कुछ व्हील चेयर्स का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और भी वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जा रही है जो उन लोगों को पोलिंग डे पे हेल्प करेंगे। इसके अतिरिक्त इन लोगों को बताया गया है कि पोलिंग डे वाले दिन किस तरह से जो हमारे पोलिंग पर्सनल होंगे उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है। इसमें इनको ये स्पेशल निर्देश दिए गए कि व्यवस्था ये करेंगे, परंतु जो उनका जो बिल है वो स्वयं ही जो हमारी पोलिंग पार्टी के लोग हैं वो पे करेंगे। इस तरह की सारी जानकारियाँ जो हैं इनको दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो स्पेशल इंफेसिस रहा है वो है कि हम पहली बार हमीरपुर में जो 4 कंस्टिट्यूएंसी हैं VVPAT जो हैं वो यूज कर रहे हैं। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए H Today के साथ। नमस्कार।